तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। देख सकते हैं सभी को राम राम। तो अलार्म बजने लग जाता है और इस अलार्म से हमारा पानी का बचत और बिजली का बचत दोनों होता है। इसका एक ये बहुत बढ़िया फायदा है, तो अभी हम चालू करते हैं इसको लगाना। तो पहले हम इस देख सकते हैं ड्रिल मशीन से इसमें होल कर लेंगे, क्योंकि इसके वायर हमको यहाँ से इनले दोनों वायर निकालने पड़ेंगे, इनपुट और आउटपुट। तो देख सकते हैं यहाँ से हम होल करेंगे दीवार में दोनों वायर के लिए। तो अब वायर हम होल कर रहे हैं, देख सकते हैं अंदर से। तो देख सकते हैं हमारा होल हो चुका है। अब हम इसके अंदर वायर निकाल लेंगे होल में से, एक इनलेट एक आउटलेट। अब इनलेट का कनेक्शन देख रहे हैं हम, इनलेट का कनेक्शन स्विच से दे देंगे, जो कि स्विच पहले से लगा था उसके अंदर ही हम दोनों का कनेक्शन दे देंगे इनलेट का। तो अब हम इनलेट का कनेक्शन कर रहे हैं। दोनों वायर हमने सही तरीके से लगाए हैं, क्योंकि कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए, इसलिए हम सही से वायर लगा रहे हैं। अब देख सकते हैं हमारा इनलेट कनेक्शन हो चुका है। अब हम आउटलेट कनेक्शन डाल रहे हैं टंकी तक। टंकी के अंदर ये सेंसर लगेंगे, दोनों वायर सेंसर जैसे बनेंगे। तो पहले हम इसको देख सकते हैं वॉल पे माउंट कर लेंगे। माउंट करने के लिए हमको क्लिप की ज़रूरत थी, क्लिप लगा के हम इसको पूरा माउंट करके टंकी तक पाइप के तार ले जाएंगे। तो अब हम ऊपर छत तक आ चुके हैं। अब ये हमारे पास क्या वेस्टेज पाइप पड़ा था, तो अंकल जी ने बोला कि इसके अंदर से ये वायर निकाल दो, तो धूप में वायर नहीं सड़ेगा नहीं। तो इसको हम देख सकते हैं दोनों पाइप वेस्टेज पाइप को दोनों को जोड़ लेते हैं, और इसके अंदर से हम अपना 1 mm का वायर निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 1 mm वायर बहुत है। इसको कोई लोड वैसे नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ अर्थिंग के लिए है। दोनों तार टच होते ही मोटर का अलार्म बंद, पानी की टंकी से अलार्म बंद बोलने लग जाएगा। तो अब हम इसके अंदर वायर डाल लेंगे, देख सकते हैं हम वायर इसके अंदर डालना शुरू कर दिया गया है। तो वायर अंदर आगे तक आ चुका है। अब हमारा देख सकते हैं वायर आ चुका है पूरा। अब हम इसको टाइट कर लेंगे क्लिप से, क्लिप की सहायता से हम इसको टाइट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर क्लिप ठोक देंगे इसको सीधा करके। अब हमने देख सकते हैं क्लिप ठोक दी है। अब हम इसके पास में भी क्लिप ठोक देंगे। क्लिप ठोकने के बाद ऊपर टंकी के पास जहाँ अर्थिंग हमारा सेंसर वाला वायर जुड़ेगा, वहाँ पे हम वायर की लंबी से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक वायर ऊपर रहेगा एक नीचे एक रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऊपर नीचे रहेंगे, ताकि टंकी भरते ही मोटर का बेल हो जाए चालू। तो वो देख सकते हैं हम लंबा वायर काट कर लेंगे कब, देख सकते हैं कट करने के बाद हम इसको इस पाइप के नीचे से निकाल लेंगे। अब इसके लिए हम इसको यहीं पे हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हम देख सकते हैं इसके पाइप के अंदर इसको टाइट से बांध लेंगे, ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि हिल जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी, टंकी ओवरफ्लो हो जाएगी, पर फिर पता भी नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसके देख सकते हैं बांध दिया है हमने उसको। अब हम इसके अंदर इंसुलेटर लगाएंगे, दो पाइप के टुकड़े लगा देंगे, जिससे कि यह तार आराम से आपस में टच ना हो, और टंकी का लेवल जैसे ही पानी का भरे उसके बाद ही मोटर से पानी आना चालू जैसे ही आ जाएगा तो बैल बनने लग जाएगी। तो हम देख सकते हैं तार छील रहे हैं इसके। तार छीलने के बाद अब हम पाइप के टुकड़े को काट लेंगे, जैसे हमने बता रहे थे पाइप के टुकड़े को काट के। तो
देख सकते हैं हम पाइप ले आए हैं और दोनों चीज़ काट लिए हैं। इस दोनों टुकड़े को काटने के बाद इसको देख सकते हैं इसके वायर से बढ़िया से टाइट कर लेंगे, तो ये छोटा है बढ़ रहा था हमारा, तो हम वायर को छील लेंगे। वायर देख सकते हैं हमने छील लिया है। अब हम इसको एक पाइप के टुकड़े को नीचे वाले को पहले लगा लेंगे और टाइट कर लेंगे। अब दूसरा वाला भी हम ऐसे सेम टू सेम कर लेंगे टाइट। अब देख सकते हैं दोनों टुकड़े हमने टाइट कर लिए। इसको हमको वजन में बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम मार्बल की टुकड़े डाल देंगे ताकि ये पानी के नीचे ही रहे, पानी के ऊपर फ्लोट ना हो जाए। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा हैवी कर देंगे। अब हैवी करने के बाद इसको हम इसके लेवल के हिसाब से लगा देंगे। तो देख सकते हैं हमने लेवल के हिसाब से लगा दिया है हमारा। देख सकते हैं ओवरफ्लो, ये रहा ओवरफ्लो के नीचे थोड़ा सा हमने लगा दिया है 4 इंची नीचे, ताकि टंकी भरते ही पता पड़ जाए और मोटर बंद हो जाए। तो आज की वीडियो कैसी लगी हो देख सकते हैं, हमारी टंकी की आवाज़ आ रही है आपको, पानी की टंकी भर गई है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।